सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल बिस्टन बॉय में। मैं हूँ आपका होस्ट शारुल और आप देख रहे हो बिस्टन बॉय चैनल। तो गाइस कैसे हो आप लोग यार, उम्मीद करता हूँ बहुत 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 ही अच्छे होंगे। एंड गाइस फाइनली OB 18 का अपडेट निकल के आ रहा है, मतलब सबके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है एंड मेरे लिए भी, जितने भी फ्री फायर लवर एंड फ्री फायर यूजर्स है सबके लिए एक बहुत ही बड़ी अच्छी बात है। एंड गरीना ने फाइनली OB 18 का अपडेट लेके आ रहे हैं और उसके साथ बहुत सारे अपडेट्स हैं, बहुत सारे मतलब न्यू फीचर है और एक्टर है, गन है और बहुत सारे चीज़ एक्स्ट्रा ऐड किया गया है। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखना, अगर पूरा फुल अपडेट चाहिए आपको OB 18 का तो प्लीज़ यार वीडियो को पूरा अंत तक देखना। और मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन अलर्ट पे रख देना, जब भी वीडियो डालो आपको तुरंत मिल जाए। रही बात OB 18 का, तो मेरे पास एडवांस सर्वर नहीं था, लेकिन हाँ मैंने जितने भी कलेक्शन किए, जितने वीडियो मैंने कलेक्ट किया है, जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपको देने वाला हूँ। पूरा वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि पूरा फुल अपडेट है, क्या क्या आने वाला है और क्या क्या है इस वीडियो में, तो सब आपको मिल जाएगा। वीडियो को पूरा एकदम अंत तक देखना और आई होप कि गाइस फाइनली मैंने बहुत वीडियो पहले भी, कल परसों एक वीडियो डाला था उसमें भी बहुत लेट हो गया था, तो ये भी आज OB 18 का अपडेट मैं लेके आ गया हूँ। एंड OB 18 का अपडेट में बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं अभी दिखाने वाला हूँ आपको, तो वीडियो को जितना हो सके पूरा देखना, स्किप मत करना, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा क्या क्या आने वाला है, ठीक है। तो पहला अपडेट निकल के आ रहा है इमोट को लेके, तो आपके पास 5 नया इमोट दिया जाएगा, ठीक है। इनमें से एक इमोट इलाइट पास में है जो एकदम लास्ट में दिखाऊंगा, ये है सेल्फी वाला इमोट जो आपको शायद इवेंट्स या तो आपको टॉपअप में मिले एंड कुछ कुछ लक रॉयल पे आ जाए, तो इसका कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हाँ ये 5 इमोट आपको देखने को मिलेगा। ये इमोट आपको इलाइट पास, जो नेक्स्ट इलाइट पास आएगा उसके अंदर मिलेगा, ठीक है, पूरा 100% है। ये नहीं, ये अभी तक खुला नहीं, ये वाला इमोट जो आपको नेक्स्ट इलाइट पास में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा 100% न्यूज़ है, कंफर्म न्यूज़ है, तो इसमें कोई बात बड़ी नहीं है, ठीक है। तो ये है नेक्स्ट अपडेट। नेक्स्ट अपडेट ये है जो अभी नया गन आने वाला है जिसका डैमेज होगा, आपका रिकॉइल है सिर्फ 2 ही गोली, ठीक है, 2 ही गोली आप उसे मारोगे, बट 2 गोली में अगर आपने 2 ही गोली लगा दिया तो आप कुछ मतलब कुछ भी हो सकता है, मतलब बंदा मर जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। 2 ही गोली अगर लगेगा तो बंदा ऑटोमेटिक मर ही जाएगा। एंड रही बात आपका क्लोन के बारे में, ठीक है, जो सेम आपके जैसा एक और बंदा मतलब रहेगा तो वो आप क्लोन बोल सकते हो। वो मतलब एक्चुअली होता क्या है बता दूँ, अगर आप बंदा यहाँ पे है तो ये लगा कि आप उसे कंफ्यूज करके उसे आगे से आके मार सकते हो, ठीक है। तो इस क्लोन का ये मतलब एक एडवांटेज है जो आप लगा के सामने बंद कर सकते हो, तो ये ही मतलब एडवांटेज है और कुछ नहीं है ज़्यादा, बट ये एक अच्छा चीज़ है जो दूसरे गेम में भी है। तो ये है पूरा, अभी यहाँ पे कॉम्बो देख लो, 4v4 में आपको कुछ नया चीज़ ऐड करने को मिलेगा, कुछ गन्स वगैरह नया ऐड करने को मिलेगा एंड थोड़ा जगह को थोड़ा और बड़ा करके मतलब ये करेंगे, और मैप के अंदर आपको बारिश का मतलब ये भी फील होगा जैसे पबजी में होता है। एंड करेक्टर की बात करें तो करेक्टर की मैंने करेक्टर के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं निकाला कि इसका एबिलिटी क्या है, तो आपको बाद में पता चल जाएगा। पेट के बारे में बात कर लेता हूँ, पेट के बारे में मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये है, मतलब कौन से स्किल से काम करेगा। तो दूसरा अपडेट ये रहा हमारा, जो पहले ही फ्री फायर में नाइफ था बट अभी रिसेंटली हटा दिया था, मतलब जब से स्टार्ट हुआ गेम, बट अभी नहीं है। एंड क्रॉसबो का जो ये है, क्रॉसबो अगर आप यूज़ करोगे तो इसमें एक नया फीचर आ गया, आप वो ब्लास्ट होगा जाके गोली लगने के बाद। एंड यहाँ पे M16 में जो गन का जो ये कहते हैं ना स्टेबल नहीं होता गोली की चलाते समय, तो ये मतलब स्टॉक कुछ नया ऐड करने के बाद आपका जो गोली हो स्टेबल होगा, गोली जाएगा, ठीक है। एंड दूसरा अपडेट है यहाँ पे देख सकते हो, अगर आपका जो पार्टनर है उसके पास अगर आपका एमओ नहीं है, अगर उसका माइक ऑफ है तो तब भी वो यहाँ पे दिखाएगा कि इसके पास एमओ नहीं है, या तो ये रिलोड कर रहा है, या तो आपको दिखाएगा कि क्या क्या कर रहा है, गन कैसे चेंज कर रहा है या कौन सा चीज़ यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको दिखा देगा, ये एक नया फीचर है जो आपको देखने को मिल जाएगा OB 18 में। तो ये रहा हमारा पेड, अभी दिखा देता हूँ जो अभी नया पेड आने वाला है। तो इसका मेरे हिसाब से कुछ मैंने इसके बारे में ज़्यादा नहीं देखा कि ये कौन से रिलेटेड है या कैसा स्किल्स है इसका, तो ये अभी जब OB 18 अपडेट आ जाएगा तब जाके इसके बारे में पता चलेगा। लेकिन सच बताओ तो एक बहुत ही अच्छा पेड लग रहा है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि हर समय हर एक अपडेट में एक एक पेड देना चाहिए, बट ये मुझे लग रहा है कोई इवेंट या तो कोई लक रॉयल में, जैसे कि रॉयल ये होता है उसमें मिलेगा आपको, या तो इवेंट्स में या तो टॉपअप में मिलेगा ये, ठीक है। तो शायद वही हो, क्योंकि देखो अच्छा चीज़ हमेशा मतलब फ्री फायर थोड़ा साइड पे रखता है, रियर टाइप पे रखता है, ठीक है। तो आपको ये ड्रेस देखने को मिल जाएगा फैशन का, तो ये नया फैशन आपको देखने को मिल जाएगा जिसमें आपको 600 डायमंड लगेंगे, शायद अभी आ गया होगा या नहीं भी आया होगा,
तो नहीं आया तो आ जाएगा, लेकिन देखने में भी बहुत अच्छा ड्रेस है एंड इसका मतलब ज़्यादा कम्फर्ट टाइप का ही है। और गाइस इलाइट पास जो अभी नेक्स्ट इलाइट पास आने वाला है वो भी मैं दिखा दूंगा, मतलब इसका पूरा नहीं है। एंड ये रहा हमारा इंक्यूबेटर जो अभी नेक्स्ट आने वाला है, इसका मतलब समुराई जिससे कुछ होगा, ठीक है। इसका ड्रेस मुझे मतलब मिला नहीं, मैंने ढूंढा था, बट इसमें से कोई एक ड्रेस होगा, ठीक है, इसमें से होगा इंक्यूबेटर जो आने वाला है नेक्स्ट लाइन इंक्यूबेटर, तो वही होगा। और रही बात यहाँ पे और भी नए नए फैशन ऐड हो जाएंगे। और ये रहा हमारा इलाइट पास जो अभी नेक्स्ट आने वाले हैं, ठीक है, तो इसमें से अभी दो इलाइट पास मुझे दिख रहे हैं, तो ये वाला जो पहला वाला है ये अभी आने वाला है नेक्स्ट इलाइट पास में, ठीक है, जो ये इलाइट पास ख़त्म होगा उसके बाद आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने भी ज़्यादा नहीं देखा, लेकिन हाँ ये श्योर है कि ये इलाइट पास आपको देखने को मिल जाएगा। आप ये देख सकते हो जब एडवांस सर्वर में ये चेक किया गया था तो इसमें भी ये वाला था, बट उसमें इतना कुछ इंक्वायरी नहीं किया गया, तो इसलिए बस छोड़ दिया गया है कि ये आएगा कि ये नहीं। तो ये इलाइट पास आपको नेक्स्ट सीजन में, मतलब नेक्स्ट इलाइट पास आपको वही देखने को मिलेगा। जो इमोट मैंने दिखाया था वो इमोट इसमें दिखाएगा। M20 के बारे में बात कर लेता हूँ, जो M10 के बारे में बात कर लेता हूँ, इसमें आपको दो साइलेंसर की तरह आपको दो एक्स्ट्रा लगाने के लिए मिलेगा, उसका नाम मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ये आपको लगाने को मिलेगा जो आपका गोली स्टेबल रखे एंड आपका जो फायर करते समय गोली मतलब आड़ा टेढ़ा ना जाए, ठीक है। एंड ये सब फैशन आपको देखने को मिलेगा इन फ्यूचर अपडेट आने के बाद, या तो अपडेट आने के बाद ही दिखेगा, क्योंकि अभी तक तो कोई चांसेस नहीं है आने का, तो ये सब आपको अपडेट आने के बाद ही दिखेगा। जितना भी नए नए फीचर्स हैं, नए नए ये है, सब आपको अपडेट आने के बाद दिख जाएगा। तो जो अभी नेक्स्ट रैंक सीजन होगा तो उसमें से आपको ये ड्रेस मिलेगा नेक्स्ट रैंक सीजन में, जो अच्छा ही है देखने को मिल रहा है। T13 है और ऊपर T12 है, तो मेरे हिसाब से T12 वाला ही आएगा, ये तो हमारे पास है ऑलरेडी T13, तो आई थिंक वो दूसरा जो 12 है वो आपको देखने को मिलेगा। एंड सर्फ बोर्ड नए नए कुछ अभी यहाँ पे लीकेज आ रहे हैं, तो ये मतलब कितना श्योर है कि आएंगे बोल के, लेकिन हम मुझे लगा कि आप लोगों को बता देना चाहिए। तो ये सर्फ बोर्ड आपको देखने को मिलेगा आई थिंक इन फ्यूचर अगर आए तो, और ये सारे फैशन आपको अगर आएगा, अगर इन फ्यूचर कोई अपडेट्स आते हैं, या तो ये OB18 अपडेट के बाद ही आपको ये देखने को मिलेगा। जितने भी फैशन है अभी हमने जितना भी देखा, तो यहाँ पे आप कोने पे देख सकते हो इलाइट पास का भी ये है, तो बहुत सारे अपडेट्स निकल के आएंगे OB18 के बाद। तो ये बैकपैक्स कुछ है जो नया नया बैकपैक्स जो हमारे पास एक दो भी है यहाँ से, ये ऊपर वाला 2 नंबर का है हमारे पास, एंड यहाँ पे 2-3 बैकपैक है जो अभी नया आने वाले हैं, जो आई थिंक OB18 के बाद आपको देखने को मिले, ठीक है। तो नेक्स्ट अपडेट आता है हमारा ये नया गन को लेके, M18 जो हम बोल दे, तो M18 जो ये गन का मैंने आपको बता ही दिया, रिकॉइल इसका 2 ही गोली होगा, एंड अगर M10 से भी ज़्यादा इसका मतलब डैमेज ज़्यादा होगा, ठीक है, M10 से भी ज़्यादा डैमेज होगा, रेंज थोड़ा कम होगा, लेकिन हाँ अगर आप पास से मारेंगे तो 2 ही गोली काफ़ी होगा, जैसे कि M10 आप चलाते हो वैसे। तो ये नया कार, नया जीप आपको देखने को मिलेगा, गाड़ी, एक नया गाड़ी ऐड होगा। अगर मैं बता दूं तो ये गाड़ी का स्किन है या तो गाड़ी है, मैं इसके बारे में कुछ अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं है पूरा पक्का तरीके से कि ये पूरा गाड़ी है या गाड़ी का जो अभी जीप है उसका स्किन है, तो इसके बारे में मैं ज़्यादा बताने के लिए कोशिश नहीं करूँगा। एंड जो मैंने बताया था M16 में जो लगेगा ये देख सकते हो, तो और MP5 में जो लगेगा, ठीक है, तो ये गोली को स्टेबल करने के लिए लगाया जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से अच्छा है, क्योंकि M16 गोली चलाते समय देना तो आड़ा टेढ़ा चला जाता है, तो इसीलिए मैंने ये मतलब ये चीज़ दिया गया है M16 के साथ अटैचमेंट लगाने के लिए। तो ये एक अटैचमेंट अच्छा चीज़ है, जब भी आप गोली करो तो ये लगा के गोली करेंगे तो शायद आपका गोली सही से जाए और एनिमी के टारगेट तक हो, ठीक है। तो ये दूसरा इंक्यूबेटर है जो हमारे लक रॉयल में आया था, ठीक है, तो अब ये इंक्यूबेटर में आने वाला है। मेरे हिसाब से गरीना को ये देना नहीं चाहिए था, क्योंकि हमारे पास ये था, लेकिन इसका कलर चेंज है, इंक्यूबेटर जो आया था उसका कलर ब्लू था शायद, तो अभी ये रेड कलर में अभी दिया जाएगा इंक्यूबेटर में, तो आई होप कि ये भी आए। ये पूरा श्योर न्यूज़ है कि मुझे नहीं लगता, लेकिन हाँ अगर मैंने आपको मिला लीक इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ जहाँ की बात है। तो यार नेक्स्ट अपडेट की तरफ चलते हैं, तो नेक्स्ट अपडेट आता है हमारा ये, तो गाइस नेक्स्ट अपडेट जो आता है हमारा गेम प्ले पूरा है, जो गेम का अंदर कैसे कैसे एडवांस सर्वर का गेम प्ले है, तो ये देख सकते हो आपका लॉबी एंड कुछ इवेंट्स होगा और नए नए सारे चीज़ आपको देखने को मिलेगा गेम के अंदर। एंड आपका लॉबी नहीं, आपका जो गेम स्किन के जो पहले खोलते समय ये आएगा, ठीक है, तो इसमें आपको कुछ ज़्यादा पीछे का बैकग्राउंड हेलोविन का होगा एंड लॉबी भी अच्छा ही होगा, और गेम का जो कहते ना गेम खोलने बाद जो स्किन रहेगा वो भी हेलोविन के ही ऊपर है। एंड रही बात, इस बार आपको नया मैप देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि नया मैप नहीं आने वाला, बस उस मैप को
3D स्टाइल से डेकोरेट किया गया है और अच्छे से, एंड उसमें फॉग डाला गया है जो आप ऊपर से उतरेंगे तो उसमें आपको मतलब बादल दिखे, एंड पहले बादल नहीं दिखता था, मतलब ज़्यादा घना नहीं दिखता था। तो ये है लॉबी, देख लो लॉबी में क्या क्या है। लॉबी में बस एक क्या कहते हैं उसे, रेविस क्यूब ना क्या कहते हैं, क्यूब एक है, वो क्यूब मतलब आपको लात मार मार के लेके जाना है, कलर चेंज होता रहेगा कहाँ के ये रहा। तो ये एक क्यूब जो आप इसको लेके मतलब खेल सकते हो, जो भी कर सकते हो, टाइम पास होगा लॉबी में। एंड ये रहा गेम का स्किन। और रही बात, आपको नया मैप देखने को नहीं मिलेगा, अभी दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो ये फ्लाइट का स्किन भी चेंज हो जाएगा, जो हमारा जो फ्लाइट होगा इसका स्किन भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। एंड रही बात, आपको गेम का जो ग्राफिक्स है वो थोड़ा हाई हो जाएगा, एंड दूर से देखने को ऐसा लगेगा कि अभी पहले से, और फ्लाइट का जो ऊपर थोड़ा और ऊपर से जाएगा, ठीक है, पहले थोड़ा नीचे जाता था लेकिन अभी थोड़ा फ्लाइट थोड़ा और ऊपर से जाएगा। एंड यहाँ पे देख सकते हो चारों तरफ फॉग है, जैसे रियलिस्टिक की तरह किया गया है, और भी मतलब रियलिस्टिक की तरह मतलब इसको डेकोरेट किया गया है, एंड 3D की तरह लग रहा है। बाकी मैं तो आपको बता दिया, 3D की तरह मतलब इसका जितना भी एनिमेशन है उसको मतलब 3D की तरह मतलब प्रोवाइड किया गया है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, आपको अगर गेम के अंदर जाएंगे तो आपको और भी अच्छा लगेगा कि नहीं 3D। और यहाँ पे आपको देख सकते हो हमारा जो ड्रॉप होगा लूट, जो यह ड्रॉप होगा वो अभी ऐसे ही दिखेगा हेलोविन में। तो यही अच्छा चीज़ है, और ज़्यादा अपडेट कुछ है नहीं, ठीक है। तो अगर आपको अपडेट में अगर और कुछ नया अपडेट आता है, कैरेक्टर के बारे में मैंने नहीं बताया, मेरे पास किस अपडेट नहीं था कैरेक्टर के बारे में इसलिए मैंने नहीं बताया। तो कैरेक्टर का मुझे और कुछ नया अपडेट मिलेगा तो मैं आपको बता दूंगा। वीडियो को मतलब लाइक कर दो अगर ज़्यादा अच्छा लगा तो, और शेयर भी कर देना अगर पसंद आया तो, ठीक है। और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और गाइस, अगर आपको अपडेट ऐसे ही मतलब मिलते रहना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी क्लिक करके रखना, मैं नया नया अपडेट देता रहता हूँ। और अगर थोड़ा लेट है यार वीडियो, लेकिन फिर भी यार माफ़ करना, थोड़ा लेट है, लेकिन आपको मैंने जितना अपडेट्स दिया है शायद दूसरे यूट्यूबर ने भी दिया होगा, बट इसमें से मेरा थोड़ा थोड़ा चेंजेस है, ठीक है। तो यार उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो यार प्लीज़ लाइक कर देना, और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। एंड रही बात, और गेम का जो चैनल का जो एक्टिव है वो भी एक्टिव हो जाएगा अभी धीरे धीरे, ठीक है। और आई होप कि ये अपडेट सबके लिए एक अच्छा अपडेट हो। और नया मैप तो है नहीं, मुझे भी अफसोस है क्यों नहीं है, पता नहीं गरीना वाले नया मैप क्यों नहीं दे रहे। तो आई होप कि नया मैप भी देखने को मिले इन फ्यूचर, तो देखते हैं क्या होता है। तो गाइस, मैं मिलूंगा एक नया वीडियो में नया कुछ टॉपिक लेके। आई विल सी इन द नेक्स्ट वन, टेक केयर, गुड बाय। I swear.